रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कुम्हार समाज के हित में एक आदेश जारी कर उन्हें दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सहृदयता दिखाते हुए आदेश जारी किया है कि दीपावली के पावन पर्व पर समीपस्थ ग्राम के कुम्हार तथा जिले के क्षेत्रीय व ग्रामीण द्वारा मिट्टी का व्यापार करने वालों से टैक्स नहीं लिया जाएंगे। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मिट्टी का व्यापार करने वाले जैसे दिया, मटका, गमला, कुल्हड़, गुल्लक तथा मिट्टी के बर्तन बेचने वालों से अब नगर निगम व पुलिस सहित अन्य किसी के द्वारा भी इनसे किसी भी प्रकार की बैठक वसूली टैक्स नहीं लिए जाएंगे इस बात को आदेशित किया तथा इनके व्यापार को पूर्ण सहयोग कर इन्हें प्रोत्साहित किया जाए इस बात पर बल दिया। दीपावली के पावन पर्व पर समीपस्थ ग्रामों के कुम्हार तथा जिले के क्षेत्रीय व दूरस्थ अंचल के ग्रामीण जन मिट्टी के दिए, मटके, गमले, कुल्हड़ तथा मिट्टी के बर्तन आदि विक्रय हेतु नगरी क्षेत्रों यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कस्बाई क्षेत्रों में लेकर जाते हैं। यह कार्य व्यवसायिक क्षेत्रीय परंपरा से जुड़ा होने के साथ साथ व्यापक पर्यावरणीय हित में भी है। दीपावली इन लोगों के वर्ष भर का सबसे बड़ा उत्सव, आय अर्जन व घर परिवार की आर्थिक दशा सुधारने से जुड़ा छोटा धनार्जन का माध्यम है। प्रायः यह शिकायत आती है कि प्रशासन, नगर निगम, नगरी अमला, पुलिस आदि के द्वारा कर शुल्क, बैठकी वसूली आदि के द्वारा इन्हें परेशान किया जाता है तथा इन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिस पर कलेक्टर ने आदेश के माध्यम से सभी संबंधितों को कड़ाई से आदेशित किया है कि इन कुम्हार व ग्रामीण जन से इनके व्यवसाय के बदले में किसी प्रकार का कर शुल्क, टैक्स, बैठकी आदि की वसूली किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी। साथ ही इनके कार्य व व्यवसाय को सहयोग कर प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि चाय दुकानों में प्लास्टिक के कप में चाय दिए जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि चाय के दुकानों में कुम्हारों के द्वारा बनाए गए कुल्हड़ का उपयोग हो, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होगा और कुम्हारों का व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कुम्हारों के व्यवसाय को बढ़ाने एक अलग बाजार बनाने की योजना है, साथ ही प्रशासन द्वारा मिट्टी के बर्तनों को प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि मिट्टी के दिए खरीदें और जलाएं और दूसरों को भी मिट्टी के दिए खरीदने को कहें, जैसे आपके साथ ही इन छोटे व्यापारियों की भी अच्छे से दीपावली मन सके। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, लगातार हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी और शिकायतें भी मिल रही थी कि एक कुम्हार लोग हैं, स्पेशली प्रजापति समाज के लोग हैं, वो मिट्टी का है ना बर्तन भी बनाते हैं, दिया स्पेशली त्यौहार के समय पे दिया बनाते हैं और इवन चाय का है ना कुल्हड़ भी बनाते हैं। उनकी है ना बिक्री है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से आकर शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र से बनकर है ना शहरी क्षेत्र में बिकने के समय पर उनका बैठकी वगैरह का है ना वसूल किया जाता है। सभी को पता है त्यौहार है ना सीजनल आता है, ये लोग के काम भी है ना सीजनल होता है, उस टाइम पे मतलब उन लोगों से भी है ना इन्हें वसूलना न्याय उचित नहीं था। मैं नगर निगम का ना एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और हमारी तहसीलदार से, SDM से ना सभी लोग है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अभी फ़िलहाल, इसलिए हम लोगों ने ना मिल करके ये निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र में ऐसे ना गरीब मजदूर आके कोई भी मिट्टी में बना हुआ चीज़ें है ना भेजने में, उनसे ना हम लोग के ना कोई भी है ना कर वसूली, टैक्स यार बैठकी ना जिला प्रशासन, नगर पंचायत के कर्मचारी यार पुलिस है ना कोई भी व्यक्ति इनको है ना परेशान ना करे, कोई चीज़ उनसे वसूली नहीं होना चाहिए। और ये ना शहर का हित में भी है बिकॉज हम लोग लगातार है ना सिंगल प्लास्टिक यूज़ को है ना प्रतिबंध करने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है कि प्लास्टिक का यूज़ करने का, इवन चाय का है ना कप लगातार है ना चाय के दुकान का यूज़ किया जाता है। धीरे 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 कल भी हम लोगों ने कुम्हार समाज के बीच में कार्यक्रम किए थे, उनकी ना प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने समझे भी हैं, शहरी क्षेत्र में उनको अलग से जगह अलाट करने के लिए भी हम लोग ना काम करेंगे। बड़े शहर में ना इस प्रकार का बाज़ार भी है, जल्दी की रीवा नगर निगम एरिया में भी हम लोग उनके लिए अलग बाज़ार है ना अलाट करेंगे। उसके साथ साथ हम सभी दुकानें हैं कितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं चाय का कप्स के, उसका जल्दी ही बोलेंगे कुल्लट का है ना इनको उत्पादकता भी बढ़ाएंगे, जैसे मार्केट में कुल्लट को ज़्यादा नंबर में आ जाएगा फिर हम सभी दुकानों से ना पहले अनुरोध करेंगे, उसके बाद है ना प्रतिबंध भी लगाएंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो है ना यूज़ ना करें और सारे लोग हमारी ये गरीब है ना जापति परिवार हैं वो लोग बनाते हैं उनसे हम लोग ले करके इसका है ना हम लोग है ना यूज़ करें, इसके लेकर हम लोग ने इस प्रकार का आदेश जारी किया।
जैसे कि ना जिला प्रशासन के द्वारा कुमार और प्रजापति लोगों के द्वारा मिट्टी के दिए और है ना कुल्लट उसके लिए बैठकी और वसूली कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए हम लोग ने एक आदेश जारी किया है। उसी के तारतम्य में सभी हमारी ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमारी ना सभी नागरिकों की मैं अपील करता हूँ, सभी व्यापारियों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग इस त्यौहार पे हम लोग है ना लोकल के साथ खड़े हो। हमारे ये ना गरीब परिवार है, यही है ना ये लोग है ना बनाते हैं दिया, हम लोग उसी मिट्टी से बना हुआ दिया का ही हम लोग ना उपयोग करें और इन लोगों का ना हम आर्थिक रूप से ना थोड़ा सक्षम बनाने में ना आप सभी लोग है ना सहयोग करें। और इवन आप ना सिर्फ आप, आपकी पड़ोसी और भी लोगों को ना प्रेरित करें कि हम सभी लोग है ना मिल करके इनके साथ है ना इनका परिवार के साथ है ना अच्छे से अच्छे तरीके से दीपावली मनाने में ना सहयोग करें।